हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं चेजिंग मल्स। तो आज हम फिर से एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं और चारकोल की ही मदद से बना रहे हैं। तो ये हैं हमारे आज की पोर्ट्रेट का सब्जेक्ट, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो क्या है खास इनमें और क्या किया है इन्होंने खास, ये बताऊँगा मैं वीडियो के अंत में। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ, करते हैं वीडियो शुरू।
जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के अंत में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो बात सन 2011 की है, जब ट्रेन में कुछ चोर उचक्कों ने इनके साथ इनकी चेन और इनका पर्स छीनने के लिए इनसे ज़बरदस्ती की। इस छीना झपटी में अरुणिमा चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। चलती ट्रेन से गिरने की वजह से इनका एक पैर कट गया और काफ़ी सारी इंजरी इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी आई। ट्रेन चली गई, अरुणिमा पटरी पर पड़ी रही। मिनट बीते, घंटे बीते, अरुणिमा पटरी पर पड़ी रही। इस दौरान अरुणिमा का बहुत सारा खून बह गया, पर अरुणिमा ने अपनी जान नहीं छोड़ी। घंटों बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अरुणिमा बच गई। तो क्या बात यहीं ख़त्म हो जाती है? 2011 के उस हादसे के बाद अरुणिमा 2012 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी थी। जी, वही माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 2012 के बाद 2014 तक यानी 2 साल के अंदर अरुणिमा अलग अलग महाद्वीपों के 7 ऊंची चोटियों पे तिरंगा फहरा चुकी है। आज अगर अरुणिमा को आप संबोधित करेंगे तो आप कहेंगे पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।